एक और खबर है दमोह के बाद, अब बात सतना की करते हैं। सतना जिले में भी धर्मांतरण की कोशिश करने का मामला सामने आया। दमोह में जहां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्टेड किया जाता था, उनको उस माहौल में रखा जाता था, तो सतना में भी हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्जन करने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरा मामला मजगवां थाना क्षेत्र का है। गांव का नाम है मोटवा, जहां प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास करके पुलिस ने दो युवकों को और एक युवती को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में राशन कुमार, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का है, दूसरा मायाराम निंगवाल, जो कि बड़वानी जिले का है। दोनों युवक ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए और गांव में जाकर ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देकर प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, अपने प्रभाव में लेकर ये लोगों से हिंदू धर्म की बुराई भी करते हैं और उन्हें इस कदर बरगलाते हैं कि हिंदू धर्म और देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। इन दोनों के अलावा गिरफ्तार युवती मोटवा गांव की ही आरती साकेत है, जो इनके सहयोगी के तौर पर काम करती थी। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक युवक ने भगवान दीन साकेत और आरती साकेत के घर में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा और धर्मांतरण कराने की जानकारी बजरंग दल और पुलिस को दी, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता मजगवा थाने पहुंचे और पुलिस को लेकर मोटवा गांव पहुंच गए। पुलिस ने ईसाई मिशनरियों को घर बाहर निकाला। पूछताछ करने पर महिलाएं विरोध करने लगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने मोटवा गांव निवासी आरती साकेत, चंदौली निवासी निवाड़ी ईसाई पादरी रोशन फास्टर और बड़वानी जिला निवासी मायाराम निंगवाल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से कुछ किताबें, दस्तावेज भी जब्त की हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोटवा गांव से चार नाबालिग लड़कियों को बाहर भेजा गया। आशंका है कि उनसे देह व्यापार भी कराया जा सकता है। इसे लेकर कुछ लोगों के बयान है, वो एक बार सुनिए। मोटवा गांव में पिछले 6 महीने से धर्मांतरण हो रहा है, इसकी सूचना हम लोगों को मिल रही थी और आज जब हमको सूचना मिली तो हम लोगों ने मजमा थाना प्रभारी जी को सूचना दिया। वो मौके पर पहुंचे और वहां के आसपास के गांव के हिंदू भी मौके पर पहुंचे। वहां पर पाया कि धर्मांतरण का कार्यक्रम हो रहा है। जांच करने के लिए पुलिस ने थाना लेके आया। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ की तो पाया गया कि रोशन नाम का पास्टर और एक माया राम नाम का दो लोग आसपास के हिंदुओं को पिछले 6 महीने से बुला के धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के लिए आज यहाँ थाना पे आए अपन। और जब जांच करने पुलिस गई तो ये अभी पता चला कि ये अभी बीते 1 महीना पहले रोशन पास्टर की पत्नी और एक भगवान दीन है उसकी पत्नी वंदना, ये दोनों लोग 6 लड़कियों को बाहर भेज दी देह व्यापार के लिए। लोगों का ये आसपास के गांव में चर्चा है कि देह व्यापार के लिए ये बाहर भेजी है। हम लोगों ने आज एक ज्ञापन देखे मजगवा थाना प्रभारी से, इस डीओपी महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें ये मांग की है कि ये धर्मांतरण की कार्रवाई तो हुई मगर जो ये पूरा रैकेट चला रही है रोशन पास्टर की पत्नी और ये भगवान दीन साकेत की पत्नी वंदना, जो लड़कियों को बाहर भेज रही है। और वंदना साकेत तो सबके सामने पुलिस बल के सामने भी भगवान राम लक्ष्मण को गाली देते हुए सुनी गई, पूरा उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऐसी दो मांगे हमने एसडीओपी महोदय से की है कि वो लड़कियां कहां गई इसकी जांच की जाए और राम लक्ष्मण को गाली देने वाले चित्रकूट में रह के जो राम लक्ष्मण को गाली दे इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा बजरंग दल आगे आंदोलन की राह पर चलने के लिए बाध्य होगा। रैकेट की हमारी पुख्ता जानकारी वहां के आसपास के ग्रामीणों की चर्चा से मिली, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता है, आसपास के गांव के लोगों को भी नहीं पता है कि वो लड़कियां कहां गईं। और जब वो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा बाहर से आके, तो निश्चित है कि यदि पुलिस इसकी गहन जांच करेगी तो पता चलेगा कि लड़कियां बाहर कहां भेजी जा रही। अभी चित्रकूट में भी घटना पकड़ी गई सेक्स रैकेट की, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको केंद्र बना के जो भोले भाले हिंदू हैं उनको बहला करके और पूरा एक बड़ा रैकेट चल रहा हो। अब पुलिस इस पर चेती है। पुलिस ने दोनों युवकों और महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण का प्रयास करने और हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295A और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा
3 और 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सुनिए एसडीओपी क्या कहते हैं। दोपहर में थाना मजमा में एक लिखित आवेदन मनोज कोरी पिता दुर्गा प्रसाद कोरी जो सतना के गड़िया टोला थाना सिविल लाइन अंतर्गत का निवासी है के द्वारा लिखित आवेदन थाने पर किया गया था कि दो व्यक्ति जिनमें से एक बड़वानी जिले का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दो व्यक्ति यहाँ ग्राम मुटवा में आकर के जो है भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे हैं। तो उक्त मामले का संज्ञान लेकर के तत्काल उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश किया था। इस पर से जो है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 5 का आरोप पाए जाने पर हमने उस पर मुकदमा पंजीबद्ध किया है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 295(1) का भी हमने इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया है। कितने का मुकदमा पंजीकृत किया गया? इसमें दो व्यक्ति और एक महिला, कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध हमने यह मुकदमा पंजीबद्ध किया है। महिला कहाँ की निवासी है? महिला ये स्थानीय निवासी है जो मुटवा की रहने वाली है और जिसके घर में जो है ये धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। अब सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर लव जिहाद और धर्मांतरण के जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या ऐसी स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक नहीं, कभी विदिशा में, कभी सतना में, कभी दमोह में, कभी जबलपुर में, कभी भोपाल में, कभी इंदौर के आसपास, तमाम इलाकों से इस तरह की खबर आ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटेलिजेंस जो सरकार का होता है वो चप्पे चप्पे की खबर रखता है, और अगर सालों से, जैसे दमोह का मामला है कि 2012 से ये चीज़ें चल रही हैं, तो क्या ये सरकार का इंटेलिजेंस फेल्यूर है? सरकार के पास जो सूचना है पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच नहीं रही है, या सिर्फ राजनीतिक हवाबाजी है?